कैसे हो यार आप लोग, आ चुका हूँ न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। और गाइस आ चुका हूँ टेंपल। भाई आप लोगों ने जितनी पहले क्लिप्स देखी ना सब इसी गेम प्ले की थी और बहुत तबाही गेम प्ले है ये। तुम लास्ट तक देखना तो को बड़ा मजा आएगा। फिलहाल ढेर सारे बंदे उतरे हैं, सबको पेलते हैं बारी बारी करके। फिलहाल मैं नीचे कूद जाता हूँ क्योंकि टेंपल का टाइम खत्म हो चुका था और भाई सीधा मैं पोचिंग की लैंड करता हूँ। और यहाँ पे ढेर सारे बंदे होते हैं, बस सबको पेलते हैं। अब ये जो सामने वाली बिल्डिंग होती है इसमें एक बंदा कैंप कर रहा होता है, तो देखो कैसे निपटाते हैं इसको। कतई साफ बना होता है बंदा शॉर्ट गन लेके, लेकिन भाई को नॉक कर दिया था और इसका टीममेट सामने वाले स्क्वाड हाउस में है, तो देखते हैं उसको भी। भाई सच बताऊंगा ये बंदा मुझे पक्का यहाँ पे हैकर समझ रहा होगा जिस हिसाब से इसको मैंने नॉक किया था। फिलहाल नॉक तो किया था उसको, जाना था फिनिश करने के लिए। अब यहाँ पे मैं ये भी डर रहा होता हूँ कहीं इसका कोई टीममेट भाई कैंप तो नहीं कर रहा। बट इतने में भाई यहाँ पे फुटस्टेप आनी स्टार्ट होती है। Espartanos,
अब ये दो बॉल यहाँ पे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, तो इन लोगों का झगड़ा सुलझा देते हैं। और जब इनको फिनिश किया ना, एक दासिया की आवाज आई है, तो देखते हैं उस दासिया वाले को। भाई मुझे लगा था वो ऊपर में होगा, लेकिन ये नीचे होता है और क्या ही डैमेज देता है। और ये क्या ग्लिच है भाई, मेरे को कोई बताओ। अब देखो, ये जब से बीजीए भाई अपडेट लिया है ना, जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से 90% का भाई पिंक का बहुत गंदा इश्यू होता है। और मेरा भी भाई आज बिल्कुल गंदा इश्यू होता था, तुम खुद ही देखो। फिलहाल वो कवर में चल गया होता है, तो देखो कैसे निपटाते हैं उसको। मुझे पता था भाई को नेट से डैमेज पड़ा था, तो इधर आया ये हील करने के लिए, और मैं घुस के आराम से उसको फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल उसको फिनिश करने के बाद मैं आया रिकॉर्डिंग टेबल चेक करने, और यहाँ पे एक बग्गी दिखी जिसमें दो बंदे सवार थे। अब इन बग्गी वालों को यहाँ पे मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, तो ये तो यहाँ पे नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, सामने एक डासिया दिखी और एक बंदा दिखा जिसको नॉक कर देते हैं। फिलहाल ये बंदा नॉक हुआ था, जाना था फिनिश करने, लेकिन भाई डासिया खड़ी है तो एक से ज्यादा बंदे होने के चांसेस हैं वहां पे, तो देखते जाके कितने बंदे हैं वहां पे। अब यहां मैं चेक कर लेता हूं, यहां पे कोई नहीं दिखता, तो इसका मतलब वो बंदा रिवाइव होता है। तो जाके देखते हैं भाई कहां पे है वो बंदा, कहां रिवाइव होता है। अब ये दो बंदे यहां पे मुझे दिख जाते हैं, जिसमें से एक को यहां पे पहले मैंने नॉक किया था, भाई वो रिवाइव हो चुका है, तो निपटाते हैं इनको एक एक करके। अब भाई सच बताऊंगा, ये जितने बंदों को मैंने फिनिश किया है यहाँ पे ना नॉक करके, भाई वो एक टीम के थे या फिर अलग टीम के, मैं खुद ही यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। फिलहाल अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट में जाकर बताओ। अब यहाँ मुझे कोई नहीं मिलता, तो मैं अपनी डासिया उठाता हूँ और भाई निकल लेता हूँ रोजॉक के रिकॉर्डिंग टावर के पास में, और यहाँ पे बंदे मिल जाते हैं मुझे, तो निपटाते हैं एक-एक करके सबको। अब ये भाई यहाँ पे बहुत देर से कैंप कर रहे होते हैं, जब मैं डासिया से आया था इनको मैंने देख लिया था, और भाई को आराम से यहाँ पे फिनिश कर दिया। फिलहाल उसको लूटा, और यहाँ पे थोड़ा देखना पिंक का इशू क्या चल रहा है भाई, कैसा ग्लिच है। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा आ जाता है अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए, और भाई वो रिकॉल भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पे मैं उठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि भाई पिंग। और जब उठता हूँ तो देखो बस कैसे निपटाता हूँ इनको।
यार इनकी स्क्वाड खत्म करने में भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, तो आराम से अब जाके लूटते हैं। लेकिन जब मैं इनको लूट रहा होता हूँ, सामने से कार 98 चलती है, तो देखते हैं कार 98 वाले को। कार 98 वाला बंदा तो नहीं दिखता, लेकिन ये भाई कहीं से आए थे अपने टीममेट को रिकॉल करने, जिसको यहाँ पे आराम से फिनिश कर दिया था। थोड़ा लूटते हैं और फिर देखते हैं कार 98 वाले को। अब मैं जा रहा हूं तो स्क्वाड हाउस के पास में, लेकिन अचानक दो फुटस्टेप आती है यहां से, देखते हैं उनको। ओ भाई साहब क्या ही डैमेज दिया है मुझे ये बंदा, उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल सामने से फुटस्टेप, भाई ये तो बॉट मिलता है। इन दोनों को यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया था, बारी था उस बंदे की जो सामने से डैमेज दे रहा था। अब ये वही बंदा होता है जिसके पास में कार 98 थी, तो सबसे पहले जोन जाते हैं फिर देखते हैं इस बंदे को। अब भाई वहां से दिख रहे होते तो भाई को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, वो चला गया था कवर में। और मुझे पता था वो भाई पहले जाके हील लगाएगा, उसके बाद वहां से पीक वगैरह देगा, और यही मौका निकाल के मैं चल जाता हूँ बग्गी के पास में, और बग्गी लेकर रश करना चाह रहा था मैं उसके पास। लेकिन यार तुम देखो यहाँ पे क्या होगा, अब पीछे की साइड मुझे एक बग्गी दिखती है और एक बंदा दिखता है। भाई ये बंदा यहाँ पे कब आया था बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन फिनिश करना था इसको। अब भाई को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, वो चला गया था कवर में, यही मौका था रश करने का, तो रश करते सीधा उस पे। भाई यहाँ पे क्या हुआ कोई मेरे को बताएगा, मतलब मेरा पिंग भी सही था। फिलहाल यार BGMI के ग्लिचेस क्या करूँ इनका। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो मेरे भाई जाके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइस आज का लाइक है मैं बस एक लाइक का, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।